सभी को राम राम। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एपिलेट ज्यूरिडिक्शन स्पेशल लीव पटिशन सिविल नंबर 86/17/2007 इन सिविल रिट पटिशन नंबर 20/630/2006 समझ गए होगे भाई के कुरुक्षेत्र डिप्लोमा या केस है 20/630 था हाई कोर्ट का नंबर और ये 2007 में फाइनल हो गया था। एक दो हियरिंग हुई थी, ज़्यादा कुछ मैटर था भी नहीं और सबकी जो है ना इजाज़त भी मिल गई थी इंटरव्यू की और सिलेक्शन भी हो गया था, भर्ती भी पूरी हो गई, सब कुछ अपनी नौकरी भी कर रहा था। लेकिन नीचे एक गिर और काम कर रहा था जिसका काम ही इसको रद्द करना था, वो था सरकार। क्योंकि मेन बताऊँ चारों तरफ सरकार ही है और किसी का कोई महत्व नहीं है, ना तो कुरुक्षेत्र के जो पटिशनर हैं उनका कोई महत्व, ना ITI के जो पटिशनर हैं उनका महत्व। देखो ITI वाले अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं भाई, सब कर रहे हैं, सब नु चाहो हम नमन न मिल जाए, दूसरे ना मिल रहा है, यो तो देखो वो अपनी जगह अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ एक के बाद पक्ष में और कुछ पक्ष में नहीं है, सिर्फ सरकार उनके पक्ष में है भाई। कुरुक्षेत्र के खिलाफ भी एक चीज़ खिलाफ है और सब कुछ पक्ष में है, सिर्फ सरकार खिलाफ से। अब मैं आपको वो डिसीजन दिखाऊंगा ये क्यों आया था और किस बेस पर आया था और अब क्या होगा और अब कैसे हो सकता है, दोनों बातें करेंगे। इन द मैटर ऑफ देवेंद्र बाखर एंड अदर्स पटिशनर था यो और वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स काउंटर एफिडेविट, यो एक एफिडेविट फाइल किया गया था भाई 2008 में और यो जो डिसीजन आया है ना अपना यो इस काउंटर एफिडेविट के ऊपर आया है, क्योंकि उन्होंने ITI वाला की नहीं सुनी। ITI वाला तो कुछ है नहीं कहने को, ना उनका इस केस में बनता कुछ भाई, बना है सरकार का। जब सरकार उड़ जाकर न्यू को होगी जीन की न्यू न्यू बात से तो कोर्ट ने तो वह माननी पड़ेगी, कोर्ट ने उस पर मोर ला दी बस। हाँ हाईकोर्ट में इन्होंने इस प्रकार से ना तो इनकी सुनी गई, वो जज ठीक था, उसने अपने हिसाब से फैसला दे दिया, वो दूसरे तरीके सोच रहा था। अब जो बहस हुई वह सारी होगी इक्विवेलेंसी पे और इक्विवेलेंसी का हमारे पास कोई सबूत था नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने मांगा भी नहीं, अगर ना किसी ने कही भाई इक्वल को नहीं रिकोगनाइज का मैटर चल रहा था, ये 2 तारीख सब ने पता है इन बातों का। तो इस एफिडेविट की बात करते हैं, एफिडेविट ऑफ OP धनखड़ असिस्टेंट डायरेक्टर CNV ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन चंडीगढ़ ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट। इनका एफिडेविट देखियो, सरकार ने कुरुक्षेत्र वाले क्यों कर मरवाए हैं, ना तो कोई ताकत ना थी कि हार जा, हरवाए हैं ये। आई द अबोव नेम्ड डेपोनेंट डू हियर बाई अफर्म एंड स्टेट एज अंडर, भाई मैं ये बात कहूँ और पूरी तरह जिम्मेदारी से कहूँ हूँ, दैट द डिप्लोमा ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इज गिवन बाई द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा टू द स्टूडेंट हु अटेंड द रेगुलर क्लासरूम टीचिंग। भाई ठीक है, ये रेगुलर क्लासरूम टीचिंग है, ये उनको दिया जाता है डिप्लोमा, हालांकि वो डिप्लोमा नहीं है, पर चलो एजुकेशन डिपार्टमेंट भाई इसने मानना है तो हम क्या कर लेंगे, वो तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन जबरदस्ती के देना घोड़ा बना रहे हैं, हम क्या कर सके हैं, ये इन डिप्लोमा मान रहे हैं। चलो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है भाई प्रैक्टिकल हैं, एंड देयर स्टडी कैन नॉट बी पॉसिबल थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, ये अपना डायरेक्टर कह रहा है। द डिप्लोमा ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इशूड बाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वॉज गिवन थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है भाई इसने न्यू तो बता दी डिस्टेंस, न्यू तो ना बताएगी इनकी क्लास भी लगवाई है भाई, प्रैक्टिकल वर्क इनको करवाया है और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दे रही है, अभी हमने इनका सारा काम करवाया है, ये बातें नहीं बताई कोर्ट को। मोर ओवर द डिप्लोमा इशूड बाई द सेड यूनिवर्सिटी यानी कुरुक्षेत्र वॉज ओनली फॉर इनहेंस्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सरकार कह रही है कि तो शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए था। अब उसमें वहाँ पर काउंटर डिफेंड करने के लिए कोई था नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी पार्टी नहीं थी, यूनिवर्सिटी पार्टी हो तो उसके बाद कहो अभी एकदम ऐसे कैसे कह रहे हैं, और दूसरा कुरुक्षेत्र की तरफ से भी कोई नहीं था, ना को कागज हाथ में था। द 2 ईयर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट वॉज स्टार्टेड बाई द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र थ्रू सर्विस प्रोवाइडर, ये तो मान के अंडर कोरस्पोंडेंस कोर्स 2003-04 से विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, 6 चिट्ठी है भाई जो सरकार को इन्होंने लिख रखी है, और शुरू करने से पहले ही ने सिर्फ UGC से और DEC से परमिशन लेने की जरूरत थी, वो दोनों हैं, सरकार से परमिशन की बाद में आवश्यकता होती जब नौकरी के लिए एलिजिबल कराओ, वो इन्होंने चिट्ठी लिख रखी है, वो चिट्ठी मैंने दिखाई भी है, भाई इन्होंने कहा था भी हमारे बच्चों को आप एलिजिबल करो,
पर चलो सरकार का जवाब है ऑफ दिस कोर्स बाय द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र द डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन एज ए सीरियस व्यू, उन्होंने भाई सीरियस व्यू लिया आईटीआई आला ने, क्योंकि उनका तो एकाधिकार था और उन्होंने फिर यह कहा थोड़ा प्रिंट ये खराब है इस पीडीएफ में, ऐसा ही आ रहा है मेरे पास। उन्होंने आगे वो अपनी राम कहानी गाई कि भाई 24/11 ने चिट्ठी लिखी, 27/11 ने मीटिंग हुई और मीटिंग में ये फैसला है कि भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का आ जाएगा, इसको नेक्स्ट सेशन से 2004-05 से डिसकंटिन्यू करो, और इनके क्वेश्चन नोटिस का भी इसी में जिक्र किया है। हालांकि 2004-05 से डिसकंटिन्यू करो तो फिर 3-4 आके करोगे, उस पर कोई राय नहीं थी इस कमेटी में, और कमेटी में जो बुलाने वाला था वो भी नहीं था। दूसरा, इन्होंने इस बात पर वो फैसला लेकर फिर डिप्लोमा करें कोर्सेज इंक्लूडिंग द डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैन नॉट गारंटी, उसमें जो एक वो नहीं था एक नया नोटिस कटवाया था, क्योंकि कई सर्विस प्रोवाइडर ने जो है ना ये अखबार में ऐड दे दिया था कि नौकरी गारंटी है, तो यूनिवर्सिटी ने सोचा कल न कहते मारे केस पर उन्होंने कह दिया भाई वो कोई स्पेसिफिक जॉब या वो नौकरी की गारंटी नहीं देते और किसी की कोई दे भी नहीं सकता। 10 देखो आगे क्या कहते हैं, ये बात लिख के इन्होंने कह दिया, 10 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हैज क्लेरिफाइड दैट द आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा गिवन बाय द यूनिवर्सिटी इज नॉट टीचर ट्रेनिंग कोर्स। बताओ भाई कहाँ कह दिया उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स, उन्होंने खुद लेटर लिख रखा है वो मैंने वीडियो में दिखाया कि भाई बेस्ट ड्राइंग टीचर बनेंगे इससे ये, लेकिन चलो भाई इन्होंने कह दिया, इसी बात पर फैसला दे दिया जज ने, अगर सरकार न्यू कहे भी यूनिवर्सिटी ने कही है भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कोई ना, जब उड़ जाकर न्यू कहेंगे वो कोर्स कोई ना, तो कोई भी मन का कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स दी रेस्पोंडेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव रिकग्निशन टू द डिप्लोमा ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा भी ये सारे फैक्ट देखते हुए डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि ये इसको मान्यता नहीं देते कुरुक्षेत्र एंड अदर्स। अदर्स का क्या जिक्र था भाई, इसमें सिर्फ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की चर्चा हुई थी मीटिंग में, अदर यूनिवर्सिटी का खाम खाम में एक मैंने जोड़ा, इनका कोई तुक नहीं था, जो अदर हैं वे तो रेगुलर हैं, लेकिन चलो भाई करते हैं सरकार कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर बाय लेटर 12/12/2006 का। इन्होंने कह दिया भाई ये दो चीज़ देखते हुए, एक यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन नोटिस जारी कर दिया और आईटीआई वाला ने कह दिया भाई ये पॉसिबल नहीं है, दो बातों से ये केस हार गए, ये 15,000 बालक दो बातों से बाहर होकर बैठ गए। दैट दी डिप्लोमा ग्रांटेड बाय द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन इज नॉट ए टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स, भाई वो यूनिवर्सिटी ने इब तो कह दिया टीचर ट्रेनिंग कोर्स है और आईटीआई के बराबर ईब किए करेगा महकमा। अब बताऊँ, अब सरकार के फैसले पर डिपेंड है, पहले भी सरकार के तब भी था, हालांकि अभी एक सवाल बस हमारे पक्ष में एक है कुरुक्षेत्र के में कि वे एक्सपर्ट की राय हमारे पक्ष में है और सरकार के पास यो पक्ष को ना, क्योंकि सरकार ने किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली। दूसरा, हमारे पास भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन हमारे पक्ष में है, यूनिवर्सिटी की दोनों तीनों राय हमारे पक्ष में आ गई हैं, ये दो तीन चीज़ें बदली हैं। अच्छा, UGC का जो नोटिफिकेशन है वो कुरुक्षेत्र के पक्ष में है, अब देखते हैं सरकार इस पर किस स्टैंड लेगी। द अबोव मेंशन फैक्ट एडमिटेड बाय द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थ्रो इट्स क्वेश्चन नोटिस इशूड टू द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर वाला जगह ठाए खड़े हैं भाई यो तो न्यू है यो तो न्यू है, बाकी था कुछ न्यूज़ मैटर में द स्टेट गवर्नमेंट वाइड वो 2899। अब देखो क्या कहते हैं, ये 2899 रिकग्नाइज द आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा बाय द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी व अंडर सम रॉन्ग इम्प्रेशन दैट्स द कोर्स माइट हैव बीन रेगुलर कोर्स फॉर टीचर ट्रेनिंग। अब यू कहे हैं अगर हमने न्यू सोची अगर 2899 के लेटर के अनुसार अगर भाई यो रेगुलर कोर्स होगा इसलिए हमने इसको रिकग्नाइज कर दिया, बट एज सुन एज इट केम टू द नॉलेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट दी सेट डिप्लोमा वॉज ओनली एन अकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड डिफरेंट फ्रॉम द कोर्स कंडक्टेड बाई दी ITI द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डी रिकग्नाइज। अब कहते हैं डी रिकग्नाइज, अगर जब भाई क्यों 2003 की मीटिंग में बता दिया था भाई यो इसका डिस्टेंस से है और दो तीन साल लग गए तुमने उस बात के लिए, तीन साल बाद आप कह रहे हो कि हमें अब पता चला है यो क्यों तो डिस्टेंस से है, और 2899 वाले में कितनी लिख रखा है भाई रेगुलर के लिए है वो,
उसमें अगर रेगुलर शब्द लिख दें तो वो सिर्फ रेगुलर कह रहे हैं, अगर नहीं लिखा जाता है तो वो सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन भाई सरकार नाटकी थी, हम क्या कर सकते थे, हम तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। द अबोव स्टेटेड लेटर आर मीनिंगलेस, उन्होंने कहा जो लेटर हमने रिकग्नाइज के करे थे ना वो अब मीनिंगलेस हो गए। अरे थमने तो कह दी मीनिंगलेस, अरे हमारी 2 साल गई उनका कौन करेगा, ये 2 साल की फीस कौन उल्टी देगा, ये 15,000 बड़का ये 2 साल कौन उल्टे देगा भाई, योर जवाब दे दो तू। एंड हैव नो रिलेवेंस इन द प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस एज डिटेल अबव, इन्होंने तो कह दिया भाई इनका कोई मतलब नहीं है। दीज लेटर इन नो वे गिव एनी राइट टू द रेस्पोंडेंट पिटिशनर टू कंसिडर देयर डिप्लोमाज फॉर रिकग्निशन, उन्होंने कह दिया भाई ये लेटर है कोई महत्व नहीं है और ये आपको कोई अधिकार नहीं देते कि आपको रिकग्नाइज किया जाए। एंड टू कंसिडर देम फॉर अपॉइंटमेंट एज आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, दस द प्रेजेंट SLP डिजर्व टू बी अलाउड, इस बात से अलाउड हुई है भाई, इसमें साफ लिख दिया दस द प्रेजेंट SLP डिजर्व टू बी अलाउड, दैट द प्राइवेट रेस्पोंडेंट हैव बीन अलाउड टू बी इंट्रूड, वो कह दिया भाई उस कोर्ट ऑर्डर के तरह फलाना झगड़ा जो भी हुआ है। अब मेन बात मैं क्या कहूँ भाई, यो 20/3/2008 में यो एफिडेविट दिया और इस एफिडेविट में इन्होंने ये बात रख दी, हालांकि इसमें भी ये नहीं कहा, अगर हम इसको इक्वल नहीं मानते, इन्होंने कहा डी रिकग्नाइज करते हैं हम, इसका मतलब कभी रिकग्नाइज किया होगा, ये बात मान के देखो को सरकार अपनी बात तो हम फंसती है, पहले कहते हैं हमने इसको कभी रिकग्निशन दिए नहीं, अब कहते हैं डी रिकग्नाइज कर रहे हैं हम, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यो डिस्टेंस से है भाई, डिस्टेंस से 2003 से बेरा था तुमने, अच्छा ये न्यू का है, मान्यता भी पूरी है, लेकिन हम इसको इक्वल नहीं मानते। तो इनके कई तो बयान आ लिए और कई और आओगे। अब देखो मेन बात अब भी मैं कहूँ सारा मामला सरकार पर है, अगर पहली तारीख पर सरकार जाकर ये बोल दे है भाई एक्सपर्ट की एडवाइस आ गई है और अब हम इनको ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो आपका काम उसी दिन हल हो जाएगा। अगर सरकार इसी बयान पर खड़ी रहती है तो दिक्कत आनी तय है भाई, अगर यो का यो बयान सरकार का रह गया तो केस फिर थोड़ा लंबा भी होगा और अपने खिलाफ़ भी जा सकता है, हालांकि खिलाफ ना जाने का छोटा बहुत कारण भी हमारे पास है, अगर भाई एक्सपर्ट की एडवाइस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 केसों का हवाला दे के ये कहा अभी एक्सपर्ट एडवाइस माननी जानी चाहिए, और भी जो बीच के केस हैं TGT इंग्लिश वगैरह के उनके भी उदाहरण हम वहाँ रख सकते हैं कि उनमें भी एक्सपर्ट एडवाइस माननी गई है। तो अब इसमें देखते हैं भाई अब हमारा क्या बनता है। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।